कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पूरे देश में लगे लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों और इस वायरस से मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य, मीडिया और पुलिस कर्मियां दिन रात अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के अलावा बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और मथुरा की सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और देश की जनता को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। कोरोना वायरस को लेकर उनका एक और वीडियो सामने आया है। अपने नए वीडियो में भी हेमा मालिनी लोगों से एक बार फिर से सामाजिक दूरी का ख्याल रखने और तीसरे लॉकडाउन को लेकर बात कर रही है। इस वीडियो को अभिनेत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो में वह कहती है, साथियों, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखने में आ रहा है कि कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, तीसरे लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े और ये जो छोटी सी छूट मिली है वो समाप्त ना हो, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। फेस मास्क, रुमाल, गमछा या दुपट्टा का प्रयोग करें। मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी और सरकार का पूरा सहयोग करें। प्रशासन के नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि आपने कोई लापरवाही की तो वो आप और आपके परिवार पर भारी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ, पूरा देश भी यही चाहता है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए। तो आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।